हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस सीरीज़ पे। वन लाइनर्स ऑफ पॉलिटी एस बरनवाल जी की किताब है। तो फंडामेंटल राइट्स का वीडियो अपन ने ऑलरेडी देख लिया था, 12 वीडियो हो चुके हैं, ये 13वां वीडियो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस वीडियो में अपन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछे जाते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला वन लाइनर क्या है आपके लिए, मैं उसको पढ़ता हूँ। इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इनकॉर्पोरेटेड। तो देखिए, ये रसिया से लिया गया है, आपको मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ कि रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि USSR। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि रसिया पहले USSR का ही पार्ट था, बाद में इसमें से रसिया टूट गया, और इसलिए आंसर में ऑप्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है, रसिया है या USSR है, तो उस हिसाब से अपन टिक कर लेंगे। अच्छा, किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4A है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आता है, पार्ट 4A। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण सिंह कमेटी, इसने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट किया गया है। और 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11वां, अच्छा ये 42nd के में 10 था और ये 11th ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अच्छा, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस ईयर में किया गया था, तो ये किया गया था 2002 में, और बता दिया मैंने 86 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर भी याद रखना है हम अपने को 2002, तो इसको रिलेट कर लीजिए, 86वां अमेंडमेंट था और 2002 ईयर था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो एक लाइन में आपको इसको याद रखना है। अच्छा, क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर मोरल ड्यूटी एंड सिटीजन्स ड्यूटी। कुछ ड्यूटी को मोरल ड्यूटी के अंतर्गत रखा गया है और कुछ को सिटीजन्स ड्यूटी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। Accordingly, priority to the Indian national freedom up to high spirit has been categorized under moral duty. ये चीज़ को किस में रखा गया है, moral duty, जैसे कि environmental protection, wildlife conservation, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं fundamental duties, ठीक है। इसमें ये कोई आपका, ये आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये आपकी ड्यूटी है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करते हैं, ड्यूटी भी आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, सिटीजन्स के लिए ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल एबोल्यूशन ऑफ डेरोगेटरी प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ वुमेन रिस्पेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 51A और क्लॉज 5, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड। अच्छा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैज रिफरेंस फ्रॉम USSR एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में जिसमें ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात किया गया है, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। अच्छा, रिमूविंग सुपरस्टिशंस, ये कौन सी ड्यूटी है, तो ये टू वैल्यू द साइंटिफिक टेंपर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। देखिए, सुपरस्टिशन मतलब होता है जो अपन अंधविश्वास बोलते हैं, तो उसको भी हटाने की बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। आर्टिकल 29(1) यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 29(1) ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। P1 भवती, ये भवती नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, भगवती है। ये भगवती जो हैं, इन्होंने, इनको कहते हैं फादर ऑफ PIL। PIL क्या होता है, जनहित याचिका, जनहित में जो याचिका दायर की जाती है उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको कहते हैं PIL। तो PIL के जो जनक थे वो थे भगवती जी। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कौन कौन सी, तो पहला देखिए है कि आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है
कि नोबल आइडियल्स इंस्टीट्यूशन इंस्पायरिंग ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो आइडिया फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किया गया था उनको भी आपको फॉलो करना है और उनको रिस्पेक्ट करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो आप प्रीएम्बल में पढ़ा होगा सॉवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को रखना है, मेंटेन। टू डिफेंड कंट्री और रेंडर, रेंडर मतलब होता है सर्विस देना, नेशनल सर्विस जब जरूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा। प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वुमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट जाकर हमें कोई भी काम नहीं करना है, और ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, समझ गए होंगे आप, अपने कल्चर के लिए अपने हेरिटेज के लिए उनको वैल्यू देना है, उनको प्रिजर्व करना है, ठीक है। जो हमारा रिच हेरिटेज और कल्चर है, अपने कल्चर के लिए ही हम जाने जाते हैं, हमारा देश जाना जाता है, तो उसको हमें मेंटेन करना है, उसको वैल्यू देना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक वाइल्ड लाइफ रिवर्स, इनको प्रोटेक्ट करना है और इनको इम्प्रूव करना है, इनके कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, ठीक। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बता दिया है कि साइंटिफिक हमारी सोच होनी चाहिए, ये सुपरस्टिशंस से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ डिस्कस किया था। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, और वायलेंस से अपने आप को दूर रखना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये 11वीं ड्यूटी ऐड हुई थी, ये 10 पहले थी ऑलरेडी, ये 11वीं ऐड हुई थी 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, राइट टू ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, राइट टू वोट सॉरी, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन इन्फोर्सिएबल है, इसका मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट कि ये आपको करना ही करना है, ऐसा कोर्ट में जाके आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता। विच आर द इनडायरेक्ट प्रोविजन रिलेटेड टू लीगल सेंसिटिफिकेशन फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पहला, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये तीनों मेन एक्ट हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगल सेंक्टिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है अपने को। ये तीन एक्ट है, 55, 51 और 71 वाला। तो इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने देख लिया। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में और उससे रिलेटेड कई चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप दिस हेल्प्स।